नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बारिश को लेकर। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार बिहार के इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी बारिश तो कभी तेज़ धूप जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। राजधानी पटना के साथ साथ दक्षिण के हिस्सों में तेज़ धूप है, तो वहीं उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में बिहार के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार बिहार में एक मौसमी सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसके कारण प्रदेश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विभाग की माने तो प्रदेश के दक्षिणी पूर्वा और पूर्वा हवा का प्रभाव जो है बना हुआ है। ये हवाएँ प्रदेश में अपने साथ नमी ला रही है, इसी वजह से प्रदेश में उमस की स्थिति बनी हुई है। यही वो कारण है कि प्रदेश में तेज़ धूप पड़ रही है और आसमान में तेज़ी से बादलों का निर्माण भी हो रहा है, जिसके कारण प्रदेश में मानसून का सिस्टम सक्रिय हो गया है और कई इलाकों में तेज़ बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश इन दिनों हुई भी है। पटना मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश के ओर से एक चक्रवाती परिसंचरण बिहार की तरफ एक टर्फ लाइन गुजर रही है। बताया जा रहा है कि इस रेखा से जो है उत्तर दक्षिण टर्फ लाइन रेखा पूर्वी बिहार के उत्तरी ओडिशा की तरफ गुजर रही है, जिसके कारण प्रदेश में इस तरह का मौसमी परिसंचरण बन गया है। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि प्रदेश में अगले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिणी बिहार में आंशिक से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया गया है कि इन दिनों प्रदेश में हवा का प्रवाह 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की बात कही गई है। पिछले दिनों अगर हम मौसम को हालात को देखें तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश हुई भी थी। वहीं अगर हम पटना जिले के विक्रम की बात करें तो यहां 80.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि पिछले 36 घंटे में पटना के विक्रम जिसमें कि 80.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं पटना के एरोड्रम पर 16.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं भोजपुर के संदेश में 40 और कोइलवर के में जो है 21.6, तरारी में 32.4 और चार पोखरी में 18.6, नालंदा के बिहार शरीफ में 21.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी छिटपुट बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर गुरुवार की हुई बारिश से कई जिलों में जान माल की भी क्षति हुई है। इस दौरान वज्रपात से 6 लोगों की जान भी चली गई है। मुंगेर के बरियारपुर में वज्रपात से एक युवक और एक युवती की जो है जान चली गई। इसके साथ साथ हवेली और खड़गपुर के सिंहपुर में एक किसान की मौत हो गई। वहीं खगड़िया जिला के परबत्ता की बात करें तो यहां जोबारपुर पंचायत के नया गांव में ठनका से 3 पशुपालकों की और 6 पशुओं की मौत हो गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अगले 24 घंटे तक बारिश के साथ साथ ठनका गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जब बारिश हो तो इस दौरान आप पक्के मकान में रहें, खुले में ना निकलें, बिजली के खंभों के नीचे और पेड़ के नीचे कभी ना रुकें। तो ऐसे में मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार बारिश के दौरान की चेतावनी जारी करता रहा है। ऐसे में एक बार फिर से ठनका को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।